जैसे कि दोस्तों किया की आ रही है ये जबरदस्त कार, देखकर रह जाएंगे हैरान। तो चलिए जानते हैं फीचर्स और कीमत के बारे में। तो दोस्तों भारतीय बाजार में अपने वाहनों को लेकर धमाल मचाने वाली किया मोटर्स फिर से नई पेशकश करने जा रही है। किया मोटर्स अपनी हैचबैक कार किया पिकांटो को नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी भारत में कर रही है। बता दें कि कंपनी ने अगली वाहन की जानकारी ऑनलाइन लीक कर दी है। किया मोटर्स की ये हैचबैक कार होंडा i10 के इंटरनेशनल वर्जन वाले प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसके चलते दोनों कारों के डायमेंशन लगभग एक समान रखे गए हैं। हालांकि किया पिकांटो भारत में बिकने वाली ग्रेट i10 नियोस से थोड़ी सी अलग होने वाली है। और दोस्तों नई किया पिकांटो में आपको कई फीचर्स अपडेट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि फ्रंट में कई अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से नए डिज़ाइन के हेडलैम्प्स, नए टाइगर नोज ग्रिल, नए एयर वेंट्स और नए फॉग लाइट्स और ज़्यादा एग्रेसिव फ्रंट बम्पर शामिल किया गया है। दोस्तों पावर की बात करें तो बता दें कि किया की ये हैचबैक कार इंटरनेशनल मार्केट में 3 इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। इसमें आपको 67 PSP वाला 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन तथा 83 PSP वाला 1.25 लीटर का पेट्रोल तथा 99 HP की पावर वाला 1.0 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन शामिल किया गया है। भारतीय बाजार में कब होगी लॉन्च और क्या होगी कीमत? जैसे कि दोस्तों किया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर करा है कि वो अपनी नई किया पिकांटो को भारतीय बाजार में 3 वेरिएंट में हम सभी के लिए उतारेगी, जिसमें से इसका टॉप वेरिएंट में आपको टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर स्टार्टिंग कीमत की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसकी स्टार्टिंग कीमत 3.70 लाख रुपीस से हो सकती है। अगर टॉप वेरिएंट की बात करें तो करीबन 5.40 लाख रुपीस तक जाने की संभावना है। तो दोस्तों ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि किया सेल्टॉस के बाद अब किया धमाका करने के लिए अपनी नई पिकांटो को अपडेट करके भारतीय बाजार में जुलाई के एंड तक हम सभी के लिए लॉन्च करने वाली है। तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।